आज है विश्व विकलांग दिवस। आज हम पुराने लखनऊ की हसनपुरिया की सरकार पार्क में खड़े हैं, जहां पर तमाम विकलांग लोग यहां पर मौजूद हैं। आज के इस दिवस को काला दिवस के नाम पर मना रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। वसीम जी, ये आज आप विश्व विकलांग दिवस है और आप इसको आप काला दिवस क्यों मना रहे हैं? काला दिवस इसलिए मना रहे हैं कि आज हमारे देश को आज़ाद हुए हुए 72 साल हो गए हैं, लेकिन 72 साल में हमारे विकलांगों की स्थिति वही के वही है। तो विश्व विकलांग दिवस मनाने का कोई मकसद नहीं ना, इसलिए हम इसको काला दिवस मना रहे हैं। आज विकलांग दिवस है मगर यहाँ पर काला दिवस मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है? आज हमारे साथ और भी बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्बास हुसैन। अब्बास जी, आज आप ये विकलांग दिवस है, आज काला दिवस क्यों मना रहे हैं? काला दिवस क्यों मना रहे हैं कि आज़ादी को बहुत साल हो गए, लेकिन विकलांग जन जो है आज बैकफुट पे है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है और हिंदुस्तान के अंदर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्लस इनको 500 रुपये मात्र पेंशन मिलती है और मेरी सरकार से यही मांग है कि इनको एक पेंशन, राष्ट्रीय पेंशन जो है हमारे 5,000 महीना पेंशन होना चाहिए, वन पेंशन, वन नेशनल वन पेंशन इनकी होना चाहिए, क्योंकि इनका जीवन यापन नहीं हो सकता। इनको समाज के अंदर बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां होती हैं और सेल्फ मैं एक विकलांग होने के बावजूद एक विकलांग फाउंडेशन में मैं काम करता हूं, तो मैं विकलांगजनों की परिस्थितियों को जानता हूं, किस तरीके से उनको रोज़ के हिसाब से परेशानियों को, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनकी यहां पर मांगे हैं कि जहां पर सरकार ने 500 रुपये सिर्फ विकलांगों के लिए रखा गया, जिनके इनका जो घर का खर्चा है नहीं पूरा होता है। और भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा नाम तरन्नुम है। तरन्नुम जी, आज आपको, आज विश्व विकलांग दिवस है तो आपको, क्योंकि हमारी सरकार गूंगी बहरी सरकार है, क्योंकि जब विकलांगों के लिए सोच नहीं रही है तो हम लोग विश्व विकलांग दिवस मना के क्या करेंगे? क्योंकि देखिए, रोजगार सबसे मेन रोजगार है। लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में जो भी विकलांग थे भीख मांगने तक के जो है परेशान रहे कि भीख मांग के अपने बच्चों का पालन पोषण करना पड़ा, कम से कम पेंशन नहीं बढ़ा सकते, तो इन विकलांगों को रोजगार तो दिया जाना चाहिए। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी की गई तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम ये होगा कि हम सांसद के सामने जाकर हम जो है भूख हड़ताल करेंगे और बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, जैसे गूंगी बहरी सरकार है वैसे ही हम लोग भी गूंगे बहरे बन जाएंगे। गूंगी बहरी सरकार, हम भी विधानसभा पे जाकर गूंगे बहरे बनकर बैठेंगे, पूरी तरह से हम प्रदर्शन करेंगे अगर हमारी मांगे नहीं पूरी गई। अब देखने वाली बात यह है कि आज के इस प्रदर्शन को या सरकार किस